नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्लीवलेस की डिजाइन बताने लूँ कैसे डिजाइन किए जाते हैं हाथों की। अभी जैसे कि ये पेपर है मेरा, मैंने पेपर ऑलरेडी कटिंग करके रखा हुआ है। देखो, जैसे आपको कौन से ब्लाउज आप सिल रहे तो उसकी पेपर कटिंग होगी, तो आप पेपर पहले कटिंग करना है, उसमें अपन डिजाइन निकालने वाले। अभी ये पेपर कटिंग मैंने करके रखी हुई है, अभी इसको ऐसे रखे मैंने। अभी यहाँ से मैं डिजाइन बनाने वाली हूँ और फिर बाद में इसको कपड़े पे काटने वाली हूँ। ओके, ये चार लोगी यहां से और यहां से मैं दो लोगी। अभी यो मैं इसका डिजाइन बना लिया लू, हल्का सा सिंपल और बहुत सुंदर तरीके से आती है डिजाइन। इसी तरह से और यहां थोड़ा हल्का सा अलग आएगा, डबल पैच आएगा इसी तरह से। ओके, ये अपनी डिजाइन हो चुकी है, बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं दोस्तों। मेरा तरीका ही बहुत हटके रहता है क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। ओके, ये अपनी डिजाइन है। अभी इसको मैं हल्के से यहाँ से राउंड दे दे रही कटिंग करने वाली हूँ, फिर इसको मैं कपड़े पे कटिंग करूंगी इसी तरह से। और ये एक अपना एक पैच ये इसी तरह से, ये अपना कुछ काम का नहीं, यही रहेगा। अभी इसको अपन कपड़े में कटिंग, ठीक है, कपड़ा है अपना। अभी इसको मैं जिससे अपने कटिंग की हुई, देखो कैसा कटिंग किया हुआ, एकदम सिंपल और अच्छा है। अभी मैं इसको ऐसे रखने वाली हूँ, जैसे वैसे ही रखना है, कुछ करना नहीं है, बढ़ाना है इसको है दोस्तों। फिर अपनी यहाँ पाइपिंग आने वाली है और सुंदर तरीके से बैठ जाती है। ओके, अभी इसको मैं कटिंग करूंगी वाली हूँ, ऐसे लूंगी। कटिंग करते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, हिलना नहीं चाहिए इसी तरह से। अभी इसे कटिंग करेंगे, अभी अपनी कटिंग हो गई है, देखो दोस्तों। अब इसको साइड में रख देंगे, अभी इसको अपने दूसरे कपड़े पे डालेंगे, यानी कि अपने को वो कपड़ा अच्छा दिखना चाहिए। अपने को बढ़ानी है, अभी अपन ऐसे लगा के देखें कौन सी चीज, ये चीज बढ़ानी है। अभी इसको अपन ऐसे जैसे वैसे रखे, पहले देखना है अपने को कैसे लग रहा है। हाँ ओके, तो अपन ऐसे करके इसको ऐसे रखेंगे, इसको ड्रॉ करते जाएंगे, ऐसा रखना है, इसको ड्रॉ करते जाएंगे। इसी तरह से ये हाथों में और ब्लाउज में भी अच्छी लगती है स्लीवलेस। आप ब्लाउज में भी डिजाइन कर सकते हो और ड्रेस पे पर डिजाइन, आपको जो से आपको अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें डिजाइन करें तो आप इसमें भी किसमें भी कर सकते हो डिजाइन, बहुत आसान है, इसमें कोई हार्ड है ही नहीं है। ओके, अभी ये साइड में रखना है, अपने को यहाँ से बढ़ाना है एक एक इंच जैसा, क्योंकि कपड़ा अंदर जाने वाला ही है। इसी तरह से ये अपनी यहाँ सिलाई आने वाली है और ये बहुत, यानी बहुत आपके मन से भी आप डिजाइन डाल सकते, खाली अपनों को खाली थोड़ा क्या पैटर्न मालूम पड़ना चाहिए कि अपन कैसे मतलब डिजाइन डाल रहे हैं। बस आएगा ये डिजाइन, देखो मैं आपको इसे स्टिचिंग करते के बताने वाली हूँ, स्टिचिंग कैसे की जाती है, बहुत आसान है। इधर पाइपिंग वगैरह डालना पड़ते और
अभी जैसे कि आपका ब्लाउज का अस्तर होगा तो अस्तर भी काटना पड़ेगा ना, और किसका अस्तर है, अस्तर काटना ही है। मैं आपको अस्तर का भी बताने वाली हूँ, जैसे वैसे अस्तर रखना है अपने का। 21 सिलेस में बता रही हूँ, आप 2 सिलेस सिलोगे ना तो अस्तर डाल के ही करना है, यानी कि अपना आसान हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ये तो क्या हो गया फिर, आपको लगा मैम ने खाली डायरेक्ट ही बताया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट ही बताने वाली हूँ और अच्छी तरह से बताने वाली हूँ। ये अपना अस्तर है, जैसे वैसे ही रखना है, जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हो वैसे करनी है। खाली डिजाइन का एक मालूम होना चाहिए कि अपन डिजाइन कैसे डाल सकते हैं, बस। अब इसको मैं फेविकोल चिपका दूंगी, सिलने को दिक्कत नहीं होगी। ऐसा लेना है फेविकोल से, डॉट डॉट करते जाना है। मैंने तो मेरा वीडियो दिखाया हुआ है। कोई क्या करते, कोई लोग स्टिच करते, और स्टिच करने में क्या होता है, अपना टाइम वेस्ट होता है ज्यादा। अपने टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए अपन फेविकोल चिपका देंगे, यानी कि अपना वही टाइम में अपनी सिलाई हो जाती है। हुआ है अपना, इसको भी मैंने ऐसे डॉट डॉट कर दिए फेविकोल के। अभी इसको भी मैं ऐसे चिपका दूंगी, जैसे वैसे चिपका दूंगी इसी तरह से। इसको साइड में रख देंगे थोड़ा, जो अपना एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो है जैसे कि ये कैसा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये अपन इसको कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। ओके, लेंगे। आपको जो आपकी साड़ी का लेवल होगा आप वो कपड़ा ले सकते हो। मैं फिलहाल मैं गोल्डन कपड़ा ही लेने वाली हूँ। क्रॉस में लिया हुआ है, देखो ऐसा क्रॉस चाहिए, सीधा नहीं चाहिए। सीधा होगा तो आपकी पाइपिंग जमने वाली नहीं है, इसलिए क्रॉस में लेना है। 1-1 इंच जैसी काटनी है, 1-1 इंच के टुकड़े जैसे काटना है, पट्टी बना लेनी है। और एक में पट्टी काटने वाली हूँ, और एक वीडियो डालने वाली, अपलोड करने वाली हूँ दोस्तों, डायरेक्ट करने वाली हूँ। इसमें भी आप देख सकते हो मैं कैसी दोरी पाइपिंग करने, इसको ऐसे लेके ऐसे घुमा देंगे, हल्का सा 1.25 इंच में सिलाई मार दे पूरा टोटल। अभी अपनी पट्टी तैयार हो गई है पाइपिंग की। अभी कैसे टच करना है वो बताने वाली हूँ आपको। देखो जैसे कि अभी मैंने ये करके रखा हुआ है, ओके दोस्तों। अभी जो यहाँ का भाग रहता है, जो अपने फोल्डिंग किया हुआ है, इसको पीछे जाने देगा, इसको आगे रखेंगे, ऐसे कर करके जाएगी आगे, सिलते जाएगी। इसे रखना है और धीरे धीरे सिलते जाएंगे। क्या आपको समझना चाहिए मैं कैसे डाल दे डोरी, धीरे धीरे करते जाएंगे। मैं हार्ड है ही नहीं कुछ, आप कौन सी भी डिजाइन डाल सकते हो। इसी सुई दबा देनी है और आप यहां से लेके यहां से और फोल्ड करके जाना है। जो है अपना पॉइंट यहाँ से मैं हल्की सी कैची मारूंगी, क्योंकि अपना पॉइंट दिखेगा, और यहाँ से थोड़ा कैची, ये राउंड है ना, तो अपनी क्या होगी दोरी अच्छी तरह से बैठेगी, नहीं तो फिर यह दोरी नहीं बैठेगी, ऊपर आ जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं दिखने वाली है। फिर यहाँ से सिलाई को नहीं छोड़ के काटेंगे, नॉचेस मारेंगे ऐसे हल्के हल्के से, ओके। जो अपन वो कटिंग कर लेंगे, यानी अपनी दोरी अच्छी तरह से बैठ जाएगी। अभी अपनी ये, अभी इसको मैं डोरी डालने वाली हूँ इसी तरह से, इसी करके, क्योंकि इसमें मैं कुछ चेंज नहीं, जितना मेरा जोग है वही मैं दाब लगाती हूँ। कोई क्या कहते हैं वन दाब लगाते हैं, मैं वन दाब भी नहीं, डायरेक्ट ही लेती हूँ, कुछ ऊपर उठाना है ही नहीं। कोई क्या कहते हैं ये ऊपर उठाओ फिर अच्छी बैठती पाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, डायरेक्ट ले सकते हो आप। देखो कितनी अच्छी बैठ रही है, ये मेन क्या होता है पाइपिंग का ही गेटअप है, बाकी कुछ है ही नहीं। आपकी जितनी अच्छी पाइपिंग होगी उतना आपका ब्लाउज भी सुंदर होगा। अपनी पाइपिंग हो चुकी है दोस्तों, देखो दोस्तों अभी थोड़ा ये हो रहा है ना, तो इसको हल्का से यहाँ से और कैची से काटेंगे, यानी अपना पॉइंट अच्छी तरह से दिखेगा दोस्तों। यहाँ ही काटना है, बाकी किधर काटना नहीं है दोस्तों।
अब इसको और अपन डबल सिलाई मार देंगे तो कैसा होगा जो है, जो ये ऐसा मतलब ये जो अभी किया है तो ऐसा नहीं आएगा फिर, जैसे कि ऐसा आता है, इसलिए ये डबल सिलाई मार देने, इसका कारण ये रहता है क्योंकि अपनी वो पीछे वाला कपड़ा आगे नहीं आता है तो फिर आगे आ जाता है। अभी ले लेंगे साथ में, पहले अपना देखना है कौन सा भाग डालना है, वही लेनी चीजें। ओके, इसी तरह से इसको भी वैसे ही लगाएंगे जैसे कि अभी किया था मैंने। अभी ऐसे इसको कैसी पाइपिंग लगा दी हुई है, अभी वैसे इसको भी लगा दिए। अभी ये लेंगे अपन यहाँ से डालेंगे। ओके, इससे पहले अपन क्या करेंगे, निशानी मारेंगे, अपनी निशानी कहाँ तलक आ रही है, फिर अपना क्या होगा, आड़ा टेढ़ा नहीं आने वाला, आना चाहिए। ऐसा करके मैं पहले निशानी मार दूंगी वो कहाँ तलक आ रहा है, इसी तरह से करूँगी। ओके, अपना चौक लिया हुआ है मैंने, सब जगह में निशानी मारूंगी कि अपने को दिक्कत नहीं होगी, फिर लगाने में आसान हो जाएगा पूरा। तो क्या होता है फिर सेंटर लाइन मिल जाता है, इसको यहाँ से लूँगी यहाँ डालूंगी। ओके, देखो ये अपनी है, ये ऐसी अपनी हाथ की डिजाइन होने वाली है। अब इसको अपन यहाँ से स्टिच करते जाएंगे। मैंने क्यों दुआ मैचिंग दोरा लिया नहीं, क्योंकि आपको समझना चाहिए मैं मतलब कैसे यूज कर रही हूँ, आपको मेरी सिलाई समझनी चाहिए, इसलिए मैं एक ही अलग दोरा लिया हुआ है। इसे दबा देंगे सुई और इसको यहाँ से है ना। ओके, पॉइंट देखना है बराबर है क्या नहीं। ओके, बराबर राइट एकदम। अभी चलो अभी स्टार्ट करते सिलने के लिए। यहाँ थोड़ा अपन आगे पीछे करेंगे क्योंकि इसके टाइट रहेगा तो क्या होगा, अच्छा नहीं आएगा और जल्दी फटने की चांसेस होती है। और डबल सिलाई मार देंगे, इसको भी यहाँ से आगे पीछे करेंगे, आपको मालूम ही पड़ जाएगा। अभी अपने भाई हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूले, जिसने मुझे किया है उसको दिल से और शुक्रिया और धन्यवाद। और जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हो और मेरा हौसला बढ़ाओ, मैं आपको ऐसी हर नई नई वीडियो बताऊंगी अपलोड करूंगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।